हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार अब साफ दिखाई देने लगी है। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को अब एहसास हो गया है कि उससे टिकटों का बंटवारा करने में भूल हो गई। रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी की हार को देखते हुए अब पीएम मोदी रेवाड़ी आ रहे हैं, लेकिन अब जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। रेवाड़ी में एकदम जब माहौल बदल गया है, साफ नजर आ रहा है सामने, तो इनको क्या नजर आया था कि अब तो कोई बात नहीं पड़ने, क्या करें, प्राइम मिनिस्टर को ला रहे हैं यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर आके यहाँ पे क्या देगा कि जो आपने पहले नहीं दिया। हरियाणा के लोगों की बात नहीं करते, रेवाड़ी के लोगों की बात नहीं करते, गरीबों की, एक सर्विसमैन की, किसी की बात नहीं करते, किसान की, मजदूर की, भाई अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अब ले आएंगे 370, अब ले आएंगे NRC। तो साथियों मुझे ये बता दो कि 370 और NRC से आप लोगों का क्या होगा।